बुधवार को जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहजनवा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर एपी सिंह निश्चेतक बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अलावा अन्य सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित मिले एवं विभाग सुव्यवस्थित एवं सही पाए गए। एएनएम एवं आशा के कार्यों की समीक्षा करते हुए निष्क्रिय कर्मियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सभी स्तर के स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यों के आधार पर वार्षिक आचरण का मूल्यांकन करने पर बल दिया। चौरी चौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सरदार नगर तथा खोराबार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी भ्रमण किया गया। चौरी चौरा में आउटडोर और इंडोर मरीजों की कम संख्या पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और प्रसवों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। सरदार नगर में विद्युत सप्लाई और जल निकासी की समस्या बताई गई, जिसके लिए उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देशित किया। खोराबार में आयुष्मान योजना की जानकारी ली और सभी पात्र लाभार्थियों को यथाशीघ्र गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि बुधवार को जिला अधिकारी द्वारा 2 CSC और 2 PSC का निरीक्षण किया गया है, जिसमें सहजनवा, चौरी चौरा, सरदार नगर तथा खोराबार शामिल है। सभी जगहों पर सफाई और स्टाफ मौजूद थे तथा जिलाधिकारी ने खोराबार और सरदार नगर CSC और PSC पर संतोष जाहिर किया है तथा चौरी चौरा में स्टाफ तथा OPD चालू ना होने पर जिलाधिकारी ने असंतोष जाहिर किया और हिदायत दिया कि जल्द से जल्द यहां व्यवस्था किया जाए तथा खोराबार में आयुष्मान भारत कार्ड की प्रगति कम होने पर जिलाधिकारी ने हिदायत दिया कि ब्लॉक प्रमुख तथा प्रधानों के सहयोग से ज्यादा संख्या में आयुष्मान भारत कार्ड बनाया जाए ताकि लोगों को लाभ मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमारी 2 CSC और 2 PSC का निरीक्षण किया गया, उसमें मैं भी सर के साथ मौजूद था। सहजनवा CSC और चौरी चौरा CSC 2 CSC थी और सरदार नगर और खोराबार PSC थी। तो अच्छी सब जगह सफाई और स्टाफ मौजूद थे, अच्छी पाई गई। सर ने संतोष जाहिर किया, लेकिन चौरी चौरा के लिए उन सर का संतोष रहा। अगर जिस जहाँ पर OPD कम थी, इंडोर पेशेंट बिल्कुल ही नहीं थे और डिलीवरी बहुत कम थी, क्योंकि स्टाफ वहाँ आप पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए सर का इंस्ट्रक्शन रहा कि आप यहाँ पर डिलीवरी और इंडोर OPD सब बढ़ाई जाए, जिससे कि लोगों का उपचार संभव हो सके। और साथ साथ सर ने सरदार नगर को भी का निरीक्षण किया, वहाँ व्यवस्थाएँ अच्छी पाई गई, पार्क बहुत अच्छा बना हुआ है, साफ सुथरा मिला। खोराबार PSC का निरीक्षण किया गया, वो भी अच्छी व्यवस्था पाई गई, वहाँ डिलीवरी बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, 400 के आसपास डिलीवरी थी। तो सर ने बहुत संतोष जाहिर किया, खुशी जाहिर की कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वहाँ आयुष्मान कार्ड की प्रगति कम थी, इस वजह से उन्होंने सलाह दिया कि सभी लोग आयुष्मान कार्ड लोगों से ब्लॉक प्रमुख महोदय भी वहाँ मौजूद आ गए थे, तो उनसे सहयोग लेने के लिए अपील किया और प्रधानों से भी बातचीत करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं और लोगों को लाभ उससे मिल सके। तो इस तरह से आज हमारे जनपद में जिलाधिकारी महोदय द्वारा, CDO सर द्वारा और उप जिलाधिकारी महोदय लोगों के द्वारा भी हमारी पूरी 37 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया और व्यवस्थाएं ठीक ठाक पाई गई और रिपोर्ट आ जाएगी, जिससे अगर कोई भी कमी होती है तो हम उसको सुधार करेंगे। और जनता के लिए बहुत ही बेहतर और अच्छी सुविधा देने के लिए निरीक्षण किया गया, गैप एनालिसिस की गई, जहां पर बाउंड्री वाल टूटी हुई है, जहां पर किसी चीज़ की समस्या है, सर ने तुरंत निराकरण किया और बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थाएँ चलें, इसको ध्यान में रखते हुए ये निरीक्षण हुआ है और आने वाले भविष्य में हम जनता को बहुत अच्छी सुविधा देंगे।